वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आप सबको लेके आया हूँ श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे में, और आज हम देखेंगे कैसे 200 क्विंटल दाल एक बारी में तैयार करी जाती है, वो भी सिर्फ 3 मसाले डाल के। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी मिक्स दाल तैयार करी जा रही है, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दाल ले ली गई है। सबसे पहले ली गई थी काली मसूर की दाल, और ये आ गई इसमें थोड़ा सा लोबिया, और जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की दालें जो है वो मिक्स है। थोड़ी सी चने की दाल है, थोड़ी सी काली वाली दाल है। तो सारी की सारी दाल को ले लिया गया है एक बड़े से पतीले के अंदर। अब इस पतीले के अंदर दाल को अच्छे से धो के साफ करा जाएगा। दूसरी ओर ये जो हमारा बड़ा सा कुकर देख रहे हैं ना, इसी के अंदर दाल बनने वाली है, जिसके अंदर ऑलरेडी पानी डाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे एक एक करके जितने भी दाल के पतीले हैं उनको पलटा जाएगा इस बड़े से कुकर के अंदर। मैं आपको बता दूं, ऐसे यहाँ पे 6 कुकर लग रहे हैं, और 6 के 6 कुकर में एक साथ दाल तैयार करी जाती है। तो यहाँ पे बड़े से पतीला जो है दाल का भर के पलट दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी दाल को अच्छे से पतीले में से निकाल के इस बड़े कुकर के अंदर डाला जाएगा। साथ ही साथ इसमें डाले जाएंगे मसाले, जिसके लिए सबसे पहले हल्दी पाउडर ले लिया गया। अब एक एक करके सारे के सारे हल्दी पाउडर के पैकेट्स को खोला जाएगा। यहाँ पे जो दाल है, मसाले, वो भक्ति या फिर आप कह सकते हैं संगत ही देती है, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मगर कहते हैं ना, यहाँ की तो भैया किचन में ही जादू है, ऐसा जादू कि खाना तो अपने आप स्वादिष्ट बन ही जाता है। तो हल्दी के बाद बारी आ गई लाल मिर्च की, तो ढेर सारी लाल मिर्च भी अब दाल के अंदर डाली जा रही है। करीब करीब 1 किलो हल्दी और 1 किलो लाल मिर्च इसके अंदर डाली जाएगी। तो यहाँ पे पैकेट के बाद पैकेट फाड़े जा रहे हैं और पलटे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना बड़ा जो कुकर है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारे के लिए लगाया गया है, और यहाँ पे साथ में इसमें डाला जा रहा है ढेर सारा नमक। मैं आपको बता दूं, श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे की नींव जो रखी गई थी, वो रखी गई थी गुरु नानक देव जी के हाथों, और ये गुरुद्वारा दिल्ली का सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक है। अगर आप भी यहाँ पे कभी जाएंगे तो आपका मन इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा यहाँ की सेवा भक्ति भाव देख के, कि आपका कहीं और जाने का मन तो करेगा ही नहीं। विराट कोहली से लेके सारा अली खान तक हर कोई इस जगह के फैन बन चुके हैं, जब भी वो दिल्ली आते हैं इस गुरुद्वारे में जरूर आते हैं। तो बारी आ गई बाकी की दाल की, तो बाकी की दाल को भी इसके अंदर पलट दिया गया है। यहाँ पे कोई भी दाल फिक्स नहीं होती, भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे दालें रोजाना बनती ही रहती है। अब इस कुकर को चला दिया गया, ये खुद ही ऐसे चलता रहेगा, सारी की सारी दाल और मसालों को मिक्स करता रहेगा, और ऐसे इसमें दाल को पकाया जाएगा और उबाला भी जाता है। अभी देख रहे हैं ना, जो सामने आप देख रहे हैं बड़ी सी सीटी लग रही है, इसमें आवाज आती है, हमारी जो दाल है वो बनके तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारी तैयार है संगत को खिलाने के लिए। यहाँ पे रोजाना 2 लाख से 10 लाख लोगों को भोजन परोसा जाता है, लंगर चखाया जाता है। इस लंगर का प्रसाद का मजा ही कुछ और है। तो आप जब भी बंगला साहिब गुरुद्वारे जाएं, यहाँ का लंगर चखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस लंगर को खाके जो आपको आनंद मिलेगा ना, वो 5-star होटल के खाने में भी नहीं मिलने वाला है। सबसे बढ़िया बात गुरुद्वारे की यही होती है कि यहाँ पे हर कोई एक समान होता है। आप भी जरूर जाइएगा बंगला साहिब गुरुद्वारे, वहाँ का लंगर चखिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हाँ, सतनाम श्री वाहेगुरु जी।